फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं लोसेल टिबेटन डॉल म्यूज़ियम में, जहां पे 150 टिबेटन डॉल्स जो हैं बहुत ही सुंदर ग्लास कैबिनेट्स में डिस्प्ले की गई हैं, जो कि डिफरेंट ड्रेस मटेरियल से बनाई गई हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो आइए चलिए टिबेटन डॉल म्यूज़ियम। हम टिबेटन लोसेल डॉल म्यूज़ियम के अंदर पहुँच चुके हैं। पहले कैबिनेट में आप देख रहे हैं चैम डांस की 15 डॉल्स जो हैं तिब्बतन दिखाई गई हैं। चैम डांस जो है ये तांत्रिक रिचुअल डांस है, जो कि तिब्बत के जो कोस्टल मोनेस्ट्रीज़ के मंक्स जो हैं वो करते हैं, और ये तकरीबन 11th सेंचुरी पुराना डांस है जिसे हम चैम डांस बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेविगेशन इन तिब्बत, उसकी जो हैं आपके पास 7 डॉल्स नज़र आ रही हैं। इसमें जो है कुरैकल और एक बोट है। कुरैकल में आप देख रहे हैं कि वुडन फ्रेमवर्क की जो बोट है वो बनाई गई है, जो तिब्बतन जो हैं रिवर्स को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल इसका करते थे। और ये तकरीबन किंग सोंगसिन गैम्पो, जो 7th सेंचुरी में तिब्बत के किंग हुए हैं, उनके टाइम से ये जो है प्रथा चली आ रही है। ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं इसमें लामो ओपेरा है, जिसमें 27 टिब्बतन डॉल्स हैं। और ये जो ओपेरा है 11th सेंचुरी के तिब्बत के बहुत ही महान संत हुए हैं टैंगस्टोन ग्यापो, जिन्होंने गांव के लोगों को डांस ट्रूपर्स के रूप में आयोजित कर उनसे ओपेरा का काम शुरू करवाया। बहुत ही खूबसूरत जो हैं इनका अपने साज और साजिंदे, और बड़ी ही मनोरम डिज़ाइंस में कपड़ों में ड्रेस किए हुए ये मिनिएचर लामो ओपेरा की डॉल्स हैं। ये आप किंग ट्राई रेलबाचन की जो हैं 5 डॉल्स देख रहे हैं। ट्राई रेलबाचन जो है 806 से 836 CE में ये 47th किंग हुए तिब्बत के। इन्होंने कई पंडित और स्कॉलर्स जो हैं भारत से बुलाए, और वहाँ पे कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ट्रांसलेशन जो है रिवाइज किया गया, तो उसका एक जो है मुजाहरा पेश करती है ये आपके पास जो ये ग्लास कैबिनेट में किंग ट्राई रेलबाचन। इस ग्लास कैबिनेट में आप देख रहे हैं कि ये जो डॉल्स डिस्प्ले की गई, इनका नाम डिस्प्ले 4 है, और ये ईस्टर्न तिब्बत या खाम पर आधारित हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि तकरीबन 12 डॉल्स जो हैं डिस्प्ले की गई हैं, जो कि डिस्प्ले 4 को दर्शाती हैं। इस ग्लास कैबिनेट में 11 डॉल्स हैं, और इनको हम डिस्प्ले 13 बोलते हैं। एमडो जो है इसका नाम दिया गया है। ये भी तिब्बतन कल्चर और उनकी रहन सहन को दर्शा रही। अगले ग्लास कैबिनेट में डिस्प्ले 7 पिकनिक्स एंड लेजर। तिब्बतन जो हैं उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोमैडिक रूट्स हैं, और ये अपने नोमैड्स की तरह रहते हैं और जगह जगह पे जाके जहाँ पिकनिक्स मनाए जाते हैं उसका एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल आपके सामने पेश किया गया है डिस्प्ले 7 में। इस ग्लास कैबिनेट में आप डिस्प्ले 5 देख रहे हैं, जिसमें नगारी नाम का एक बहुत ही मशहूर प्रांत है सेंट्रल प्रोविंस ऑफ तिब्बत में, वहाँ के लोगों का रहन सहन, डिस्प्ले 5। अगली ग्लास कैबिनेट में डिस्प्ले 6 नोमैड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नोमैडिक लाइफ जो है इस इलाके की, उसके बारे में दिखाया गया किस तरह से काओ याक शीप और गोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरह से एक परिवार जो है अपने नातियों के साथ और अपने पोतों के साथ जो है वहाँ पे निकल रहा है नॉर्दर्न तिब्बत एरिया में। इस ग्लास कैबिनेट में आप देख रहे हैं तकरीबन 12 डॉल्स हैं, और रिलीजियस कॉस्ट्यूम्स इसका टाइटल है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 18th सेंचुरी में किंग सॉन्ग टेस्टन, उन्होंने जो है पहली कॉन्ग्रीगेशन को इनकरेज किया था मंक्स की तिब्बत में, तो उसका एक मुजाहरा आपके सामने रिलीजियस कॉस्ट्यूम्स की नाम से ये ग्लास कैबिनेट में तकरीबन 12 डॉल्स। इस कैबिनेट में हम देख रहे हैं कि डिस्प्ले किया गया है मार्केट सीन इन लासा, जो कि तिब्बत का कैपिटल है। टोटल 21 डॉल्स हैं, और तिब्बतन ट्रेडिशनल मार्केट लासा में कैसे होती है उसका जो है बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया गया है। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये 21 डॉल्स जो हैं दर्शा रही हैं कि मार्केट सीन जो है तिब्बत में किस तरह का हमें नजर आता है। इस कैबिनेट का नाम रखा गया है जी डिस्प्ले 11 द थ्रोइंग ऑफ टॉर्माज। ये एक बहुत ही पावरफुल धार्मिक तिब्बतन रिलीजियस रिचुअल है, जिसमें अलग किस्म के जो हैं मेडिटेशंस और डांसेस जो हैं परफॉर्मेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी जो डॉल्स हैं वो उसी मुद्रा में नजर आ रही हैं। चौबीस से 25 डॉल्स जो हैं इसमें थ्रोइंग ऑफ टोरमाज में हमें नजर आ रही हैं। इस कैबिनेट में नाम रखा गया है डिस्प्ले 12, जिसमें मिलेरपा जो है उसका एक योगी का दृश्य दिखाया गया है, जो कि केव में गुफा में रह रहा है, और आसपास उसके बहुत ही बढ़िया जानवर भी आपको नजर आ रहे हैं।
और आखिर में आपको तिब्बत का मैप नजर आ रहा है, जहाँ पे तिब्बत के लोगों के विभिन्न इलाकों को खूबसूरती से दिखाया गया है। और ये वुडन कार्विंग और थंग का पेंटिंग का बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए थे नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमने मेन नॉर्बुलिंका टेंपल देखा और पीछे लॉसेल डॉल म्यूजियम, टिबेटन डॉल्स का बहुत ही बढ़िया नमूना। तो सब्सक्राइब करिएगा संदीप व्लॉग को। फिर मिलेंगे, शुक्रिया।